तो हमारे मामू ने हमारे को बोला था कि जो हलीम का सामान है, गंदुम जौ वगैरह सब कुछ, तेल वगैरह है, तो हमने लेने जाना है वो आधे घंटे बाद। तो आधा घंटा अभी हो चुका है, तो हम लोगों ने जाना है वो लेने। तो फिर चलो चलते हैं, फिर बहुत सारा काम है। कौन से स्टेडियम में मैच होगा? शारजाह के स्टेडियम। हाँ बवासीर, बवासीर की बीमारी। ओ बवासीर बात तो सुन, किस खिलाफ? पैसे ही नहीं है, गरीबी हो गई। अच्छी बात कर रहे हैं, गरीब को पैसे ही नहीं, पैसे ही नहीं। चलो ले लो, वो दे दो जो बहन माँ सामान रखवा के गए। बोले 30 वाली डेयरी मिल्क कितनी गई है? 13,000। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पी दानिश। आप जैसा कि जानते हैं कि बल्लू के नाम से हमारी दुकान फेमस है, कुरंगी नंबर 4 जमान टाउन में। और आपको पता है यहाँ पे इस महंगाई के पुरफितन दौर में बहुत अच्छे पैकेजेस दिए जा रहे हैं। हाँ आपको हम दिखा दें, हमारा देखो जनरल स्टोर है, यहाँ पे आपको यानी कि 10% डिस्काउंट देगा, यानी कि कोई चीज़ अगर 500 की है तो उसमें से आपको मिलेगी 450 रुपये की। और इसके अलावा ये हमारे जूसेस वगैरह पे डिस्काउंट है, हमारा ग्रोसरी हो गया। आपको ग्रोसरी स्टोर दिखाते हैं हमारा, ये हमारा ग्रोसरी मिनी मार्ट है, इस पर आपको तमाम ग्रोसरी के आइटम अवेलेबल है। और जब बल्लू भाई देखिए, हमारे बल्लू भाई हैं और ये हमारी दुकान कुरंगी नंबर 4 जमान टाउन में मुंतकिल है। आप किसी से भी आके पता कर सकते हैं। ये देखें, ये सामने ये टीजेंट्स टेलर है, जैसा कि आप जानते हैं फेमस है बहुत। अगर आपको कभी भी कोई किराना या जनरल सामान लेना तो हमसे रजू करें। ये हमारे बल्लू छोटे भाई हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। और ये हमारी दुकान है, देखिए हमारा बच्चा हुआ आराम बेटा, अगर कोई बच्चा आए तो डिस्काउंट कर देना, सही है? हाथ ही ला देना। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कुरंगी नंबर 4 जमान टाउन कल्लू आगे, कल्लू होटल के आगे वाली गली में हमारी दुकान है। अगर कुछ लेना हो आपको 10% डिस्काउंट पे तो हमसे रजू करें। आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश हुसैन, टाइटल बल्लू। दरा भाग्य है। चलो करो टेल्यू करो। तो अभी सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, अब जा रहे हैं हम लोग घर। ये देख सकते हो तुम लोग यार, तो यार अभी जो है ना टाइम हो रहा है रात का, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा काम वाम सेट वेट करना है, यहाँ पे कनाते वगैरह लगानी है, यहाँ पे लगेगी और एक पीछे रहेगी, बाकी सारा डेकोरेशन का सामान लगेगा, बहुत सारे काम है। अभी ब्लॉग भी लेके आने हम लोगों ने देख के लिए, क्योंकि इस जगह पर जगह बनेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने वो सारा सामान वामान अरेंज करना है। तो अभी हम लोगों को लग रही है भूख, तो अभी हम लोग जाएंगे मैक्रोनी बनाने के लिए। तो फिर चलते हैं, चलो। काफ़ी थोड़ा बहुत सामान आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अभी थोड़ा थाल वगैरह आने हैं और ये टेबलें आई हैं, तो और ये और टेबलें आ रही हैं, ठीक है।
यार अभी जो है ना, अभी यहाँ पर गैस तो आनी रही थी, तो हम लोगों ने लकड़ियों का इंतजाम करा, थोड़ा लकड़ियों का चूल्हा बना लिया हम लोगों ने। तो मैं फ्लैश लाइट बोलता हूँ। हाँ भाई जा यार, पेट्रोल लेके आ जा, थोड़ा बिजली जा। ये अभी लिया है, नमक लिया, और इतना बड़ा चम्मच लाया, चम्मच तो देख पूरा भर के लिया। कौन सा चम्मच दे रहा है अबे, वो बिल्ली की आंखों वाला लग रहा है। तो थोड़ी बहुत अभी आँख लग चुकी है, ठीक है। अच्छा, तो आँख लग चुकी है यार, हमें भी तो लो ब्लॉक में आ जा बाबू भाई। हाँ सही है, लाओ भाई बंदर हटो यार, मेरे को उधर जाने दो। भूत बंगले में कुकिंग कर रहे हैं हम लोग, भूत आ जाएंगे मेरे ऊपर। डाल 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 नमक डाल, वो चिपक गई है तो नीचे। हाँ तो चिपके की, वो बोल रहा था नमक डालो बहुत है, नमक तेज हो जाएगा। कुछ भी पागल लेगा, पानी फेंकेंगे ना अभी, छोड़ दो चम्मच। वे ओ ओ तू भाई शहीदों में नाम नहीं लिखवा, हट बैठ, हट हो जा ये भाई, हट ले लो बस बस। नहीं ले ले, हम चम्मच बहुत है, डेकोरेशन वाले आ गए, प्लेटें भी बहुत है, चम्मच भी बहुत है। तो यार ये अभी थोड़ा बन जाए, फिर दिखाते हैं तुम लोगों को क्या सीन। और अभी मैं आ गया हूँ छत पे, रात का बज रहा है 2, मुझे पता नहीं है क्या सीन है यहाँ पे अभी। तो यार थोड़ा चेक करते छत पे क्या माहौल है। यहाँ पे आके मैं इंट्रो शंट्रो करता हूँ थोड़ा, ठीक है। मेरी फट बहुत रही है अभी, बड़ी फट रही है मेरी, और नज़र भी नहीं आ रहा कुछ ब्लॉग के अंदर ना। और वैसे भी क्या चीज़ है दोस्तार, निकलो आने दो। क्या बोल रहे हसन भाई, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, जा रहे हो, जाओ 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 भाई। एक प्लेयर रिंग से बाहर हो गया हमारा बाबू भाई। यार मुंह से हटा, फ्लैश लाइट लग रही है। फ्लैश लाइट, मेरे को फ्लैश दिख रहा है। ओए वो फ्लैश जरा, ओ ये लाइट को पकड़ दाना। क्रिश नीचे चिपक रही है, चिपकेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ओए वे ओ वो क्या कर रहा है, जल जाएगा वो बाबू भाई को जला रहा है। हम लोग करेंगे ना, रोएगा फिर हमारे से, ये लाइटर से जला रहा है। अबे नहीं ये सही है वैसे, यहाँ भी आग लगेगी, वहाँ भी लकड़ी भी जल जाएगी बीच। वाह क्या सेंस है तेरे पास, सारा सेंस जी के पास आ गया। चांदी है, चांदी को चला के चेक करते हैं, तो यार मैक्रोनी बिल्कुल जो है वो सेट होके बन चुकी है, ठीक है। अभी मतलब सिर्फ बॉईल करी हम लोगों ने, तो अभी उसको उतारते हैं, उसका पानी यानी साफ़ करते हैं, फिर उसके अंदर मसाले सारे डालते हैं, फिर देखते हैं। पानी नहीं फेंकते उसका पहले, चलो अभी नहीं नहीं है, वैसी चटपटी हो रही है, इतनी लग रही है। नमक डाला है? नहीं, वॉशरूम वाली भी नमक पानी में डाला था बस। अबे तो ऊपर से भी डालता है, नीचे से। तो यार इस व्लॉग को मैं यहीं पे थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ना मैं अभी ये सेकंड पार्ट है कि तुम लोग देखो, इसके बाद मैं थर्ड पार्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट दिखाता हूँ अगले वाले में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इसके अंदर मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट के अंदर।